और कोई दवाई नहीं खानी। दवाई हम अपने मर्जी से घर जाके कुछ और खाने लग जाते हैं क्या? डॉक्टर ने लिख के दिया है पेट दर्द की और हम कहते नहीं अभी तो हम घर आ गए अब तो हम ताकत की दवाई खाएंगे, गोली भी कसूल खा लो, सिर दर्द की खा लो, आंख की खा लो, ऐसा नहीं ना, जो डॉक्टर लिख के देता है वही दवाई खाते हैं, दवाई में कोई दर्द नहीं होते। इसी तरह से यही मंत्र केवल और केवल कलयुग का महामंत्र है, इसी दवाई को खाना है। और डॉक्टर से लिखवा के लेके आते हैं ना, बिना लिखवाए कोई केमिस्ट दवाई देता है हमें? डॉक्टर से जो लिखी होती है वही दवाई हम लेके जाते हैं। तो डॉक्टर से लिखवाने का क्या मतलब? हमें गुरु महाराज जी से माला झोली लेनी है, जब हम इनसे आज्ञा प्राप्त करके हरि नाम करेंगे तब हमारे जैसे वो असर, डॉक्टर की दवाई लिखी हुई हमें असर अच्छे से करेगी, खुद से दवाई खाई हुई कुछ असर कम करेगी। इसी तरह से हम अपने आप से जो नाम ले रहे हैं वो हमारी भक्ति नहीं है, वो हमारी सुकृति है, असर वो भी करेगी परंतु धीरे धीरे असर करेगी। वैसे समझो जैसे एक गोली को हम पिस्तौल में रख के मारे और एक गोली को ऐसे ही फेंक दे, ऐसे फेंक के मारोगे थोड़ी सी चोट लगेगी पर आर पार नहीं जाएगी। इसी तरह हरि नाम असर करेगा परंतु धीरे धीरे, परंतु हमारे पास समय कितना कम है, किसको पता है हम 100 साल जीने वाले हैं? अगर किसी को पता है 100 साल जीने वाले हैं वो मत करना हरि नाम, वो आराम से आराम करो, जब 80-90 साल के बाद सोच लेना हरि नाम। परंतु जिसको पता है 100 साल मेरी उम्र नहीं है उसको तो आज से ही करना चाहिए। तो अभी भी 2 दिन हमारे पास हैं, जो लोग हरि नाम करना चाहते हैं आप महाराज जी से माला ले सकते हैं, भगवान का हरि नाम करना घर में जाके। और परहेज क्या करना है, जो महाराज जी ने कल 4 नियम बताए, किस किस को याद है 4 नियम? सुना खड़ी होकर सुना, ये देखो छोटी बच्ची, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए और जो गलती चीजें होती है जैसे तंबाकू, बीड़ी और शराब, ये तो हमें नहीं लेना चाहिए। और हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छे, देखो ये छोटे बच्चों ने, ये सब छोटे बच्चों ने सुना है और इनके संस्कार पक्के होंगे, ये बड़े होके भी याद रखेंगे, ये बच्चे कभी भी मांस मछली नहीं खाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि इन्होंने बचपन से सुन लिया है, जो हम बचपन से सुना देते हैं वो फिक्स हो जाता है, पक्का हो जाता है इस तरह से। और मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री का संग नहीं करना, और चौथा नियम क्या, लहसुन प्याज नहीं खाना, तो उसमें आ गया मांस वगैरह, जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, ठीक है। ये 4 नियम है, हमें ये 4 परहेज करने हैं और अपनी दवाई टाइम से लेनी है। ये सब हम करेंगे तब तो हमने जो 7 दिन हम एडमिट हुए उसका फल हमें मिलेगा, नहीं तो ये सब इलाज भी बेकार चला जाएगा। देखो जब हम अस्पताल में एडमिट होते हैं तो क्या करते हैं, पैसा देते हैं ना, वहाँ पे पैसा लगाया हमने, एडमिट हुए, घर से दूर रहे, तो अगर आप ध्यान से सुनिए प्लीज, बातें नहीं, ध्यान से सुनिए एक बार, ये 7 दिन हमने यहाँ पे दिए हैं, पैसा क्या दिया हमने यहाँ के, समय दिया ना, इस समय हम घर में बैठ के आराम से सो सकते थे, कंबल में बैठ सकते थे, फिर भी हम कष्ट करके यहाँ आए, तो हमने अपना समय रूपी धन दिया यहाँ पे, अपना शरीर दिया, हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए, सर्दी है, कोई अनुकूल वातावरण नहीं है इस समय यहाँ पे, हम परेशानी में बैठे हैं, इतनी आपने मेहनत करी, इस मेहनत को क्या आप व्यर्थ करना चाहोगे? बिल्कुल मत करना, जो 7 दिन दिए हैं उसको आगे कंटिन्यू करना। तो ये सब होगा कैसे, ये सब जब आप बार बार सुनोगे, एक बार सुनने से नहीं होता, एक बार सुनने से नहीं होगा, इसको रोज रोज श्रवण करना पड़ेगा। जब रोज रोज श्रवण करोगे, हम इस संसार के नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है, हमारा संबंध भगवान से है, जब ये छप जाएगा हाँ हमारा संबंध भगवान से है, तो फिर हमें करना क्या है, फिर हमें करना क्या है, फिर हमें भक्ति करनी है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, ये सब रोज रोज सुनना पड़ेगा, धीरे 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 संस्कार बनेंगे। हम लोग यहाँ पे रोज भगवद गीता का पाठ, श्रीमद भागवतम का पाठ करते हैं 11:30 से 12:30। हाउस नंबर प्रीति क्या है, 334 में हम लोग यहाँ पे रोज भागवत का पाठ करते हैं। आप सब भी आइए, रोज नहीं आइए तो एक दिन छोड़ के एक दिन आइए, आइए
सुनिए तो आपका ये पक्का होगा, नहीं तो 7 दिन का असर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहेगा, 1 महीने के बाद आपको याद नहीं होगा आपने क्या सुना। और दूसरी बात, सब लोग आप लोग कह सकते हो कि मेरे लिए भक्ति करनी सुलभ है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरा सारा परिवार जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरा अनुकूल वातावरण है, परंतु मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण भी दिखाऊंगी जो लोग यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं। कैसे करी उन्होंने? उन्होंने लगातार 2-3 साल से वो सुन रहे हैं तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उन सब ने घर में प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, हरि नाम करते हैं, एकादशी रखते हैं, उनके बच्चे भी एकादशी करते हैं, माला करते हैं। यहाँ पे प्रीति, देखो प्रीति के कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग कहोगे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, तो प्रीति है, रूबी है, ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए, ये सब छोटे बच्चे हैं, कमल है, कविता है, ये सब छोटे हैं, छोटे उम्र से भी भक्ति कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो बुजुर्ग हो गए, अब तो हमारी कहीं जाने आने की उम्र नहीं रही, हम भक्ति नहीं कर सकते, तो उनके लिए उदाहरण हमारी अम्मा जी हैं। अम्मा जी है, 2 अम्मा जी है, देखो 3 साल से आज ये सुन रही है और ये इतना इतना हरिनाम करती है। ये तो आपको साक्षात उदाहरण है, अब आपको ग्रंथों से उदाहरण देती हूँ। भक्ति किसने करी? प्रहलाद महाराज जी ने करी, ध्रुव महाराज जी ने करी। ध्रुव महाराज जी कितने साल के थे? 5 साल के। प्रहलाद महाराज जी कितने साल के थे? 5 साल के। यानी छोटी उम्र में भी भक्ति की जा सकती है। आप अपने बच्चों को कहो तो भी छोटा है, पढ़ ले खेल ले फिर बाद में, नहीं, भक्ति छोटी उम्र में भी की जा सकती है। और भक्ति किसने करी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी कितने बड़े उम्र के थे? और भक्ति किसने करी? मीरा जी ने। मीरा जी कौन? स्त्री थी। अगर आप कहो मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो जो है अपना घर घर संभालना है मुझे और मेरा पति आगे देगा तो मैं भक्ति करूंगी, नहीं तो मैं भक्ति नहीं कर सकती, ये बात नहीं है, मीरा जी ने करके दिखाई। अब शास्त्र झूठ बोल सकते हैं? आप मुझे कह सकते हो ठीक है ये प्रीति मैंने खड़ी कर दी होगी, चल खड़ी हो जा, है? शास्त्र में तो कहीं नहीं है ना, मीरा जी तो सब जानते हैं। स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं, स्त्रियां पुरुष से ज्यादा अच्छी भक्ति कर सकती हैं। क्यों? मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मैं भक्ति में किस तरह से आई। मैं अपने गुरुजी की सिर्फ एक लाइन से भक्ति में आई। क्या? मेरे गुरुजी ने बोला बेटी भक्ति तो बहुत आसान है, अभी तक मैंने सुना था भक्ति जो है साधु महात्मा करते हैं, बहुत तपस्या होती है, ये होती है, ये सुन रखा था, परंतु मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया बेटी भक्ति तो बहुत सरल है। कैसे? तू घर में झाड़ू लगाती है, उसको सोच घर में झाड़ू जो लगा रही है मेरा घर नहीं है, ठाकुर जी का घर है, तो तेरा झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई। तू सुबह उठ के स्नान करती है, ये सोच के मैं स्नान किस लिए कर रही हूँ कि मुझे ठाकुर जी की आरती करनी है, मैं ठाकुर जी के लिए स्नान कर रही हूँ, तो मेरा स्नान करना भी भक्ति हो गया। तू घर में खाना बनाती है, सबके लिए बनाती है, अपने लिए भी बनाती है, ये सोच कि आज से ये खाना मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, तो तेरा खाना बनाना भी भक्ति हो गया। तू सोती है तो ये सोच इसलिए सो रही हूँ कि सुबह मुझे जल्दी उठ के ठाकुर जी की आरती मंगला आरती करनी है, इसलिए सो रही हूँ, तो तेरा सोना भी भक्ति हो गया। अब बताओ इसमें कुछ मुश्किल बात है? हम सभी तो ये काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, घर साफ करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, यही तो काम है हमारा। ये सब काम करते करते भक्ति हो सकती है। अब इसका मतलब दो भी दूसरी तरह से गलत भी लगाया जा सकता है कि विशाखा ने बोला था झाड़ू लगा लो बस हो गई भक्ति, हाँ कल से अपना घर चमकाना शुरू कर दो, झाड़ू लगाओ और खाना बनाओ बस भक्ति हो गई। नहीं, झाड़ू लगाना भक्ति है, पर कब? जब वो घर आप भगवान का घर समझो, जब ये सोचो कि ये मेरा घर नहीं है, ये तो ठाकुर जी का घर है। और ठाकुर जी का घर एक दिन से कोई मान ले, अभी मैंने बोल दिया ठीक है ठाकुर जी का घर है, आप सब मान लोगे, हो नहीं सकता, बार बार सुनोगे क्यों है ठाकुर जी का घर, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। जब हम उन्हें अपना पिता मानेंगे, जब हम अपने पति मानेंगे, तभी तो उनका घर अपना घर मानेंगे। तो ये सुनना पड़ेगा भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा और भगवान का क्या नाता है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा हम अपने घर को भगवान का घर मानेंगे और उस घर में रहते हुए जैसे धीरे धीरे काम करेंगे वो सब काम हमारे भक्ति होंगे। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एकादशी व्रत रखना है, तुलसी जी की सेवा करनी है। तुलसी जी की सेवा बहुत आसान है, उनमें जल देना है और सुबह और शाम उनमें दिया देना है, और तीसरा काम हरि नाम करना है। बस 3 काम आप करते रहो और चौथा काम कथा श्रवण करनी है।
ये चार काम करते करते ही हमारे कलयुग में भक्ति हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई घर नहीं छोड़ना, कोई घर का काम नहीं छोड़ना, बस सबको जोड़ना है। भक्ति मतलब जोड़ना, अपने कामों को भगवान से जोड़ना, अपने बच्चों को भगवान से जोड़ना। ऐसे जोड़ते जोड़ते हम जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, जो हम इतने दिन से महाराज जी से सुन रहे हैं, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको सार्थक कर सकते हैं। अब से आप सबसे ये निवेदन है कि जो आपने इतने दिन यहाँ पे दिए हैं उसको बेकार मत करना, और जिसको ये बात समझ आई है वो मुझे पता चल जाएगा ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है, क्योंकि जिस वो मुझे जरूर ढूंढेगा। जिताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और हमने सुबह बच्चों को यहाँ पे क्लास दी थी, हम चाहते हैं ऐसी, इन बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ सीखा, ऐसी क्लास हम दोबारा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आप सब अपना अपना नंबर मुझे दे देना, जो जो अपने बच्चे को वो क्लास अटेंड करवाना चाहता है, फिर मैं आप सबको फोन पे बता दूंगी अगली क्लास कब है। देखो हम बच्चों में जो संस्कार डालेंगे वो ही हमें मिलेंगे। देखो आज प्रभु जी सवेरे उन्होंने क्लास दिया था, तो क्लास का नाम क्या था बोलो? क्लास दिया था प्रभु जी ने, एक सुंदर स्टोरी सुनाई थी। ये स्टोरी किसको याद है? वो बच्चा आया है, कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? वाह, हरे कृष्ण। नीतीश साहब बोलोगे? हरे कृष्ण। नीतीश साहब बोलोगे? पीछे खड़े हो ना आप बोलोगे? नहीं, पहले बच्चे बोलो, बच्चे को नहीं बोल पाएंगे उसको फिर बोलवा लेकिन तो बच्चे अब उधर घूम कर उधर बोलो ठीक से बोलो। प्रभु जी ने बताया था कि एक बार साइंटिस्ट ने कहा कि भगवान कुछ नहीं होते, ये बिग बैंग थ्योरी है। तो फिर उन्होंने कहा था कि एक बार कोई बड़ा सा पत्थर अटैक कर गया था यूनिवर्स में, और खुद प्लैनेट सब अपने आप बन गए। फिर मीटिंग बुलाई गई, थोड़े लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मीटिंग बुलाई गई सेंट फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में है। तो उसमें सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आए थे, वो एक दिन पहले आ गए थे। तो फिर जब वो एक दिन पहले आए थे तो वो अपने स्टूडेंट्स को लेके आए थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया था अर्थ का, उसमें रिवर माउंटेन और सब बनाया था। तो जैसे लोग आए थे तो उन्होंने गेट पे रख दिया था मॉडल, और जब सब आए ब्रेक से सबने कहा कि कितना अच्छा है। जैसे सब अंदर गए तो सबकी बोलने के चांस आई, तो सबसे लास्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन की आई। तो उन्होंने कहा कि आपने वो मॉडल देखा था जो बाहर गेट पे था? सबने कहा हाँ देखा था। तो उन्होंने कहा कि वो मॉडल आपको पता है, वो खुद अपने आप बन गया। उन्होंने सबने कहा कि ये क्या पागल है, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अकेले वो कभी भी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज अपने आप बन सकती है। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आप कह रहे हो कि यूनिवर्स और ये सब चीजें भगवान ने नहीं बनाई और ये खुद बन गई, तो कौन बना सकता है? तो फिर सबको रिलाइज हुआ हाँ कोई तो है। फिर रिसर्च चली, फिर पता चला कि भगवान ने बनाया। बड़ी हिम्मत की बात है, खड़े होकर बोलना, जोर से ताली बजाएं।
नीति साहब आप बोलो, आज हमने सेमिनार में क्या क्या सीखा? दिव्या साहब बोलोगे? आप भी तैयारी सोचो क्या बोलोगे? आज बहुत सारी बात कर रही थी, जो चीज सुन लिया वो रिपीट नहीं करना, नया नया आओ आपके काम सुन, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी हमने आज सेमिनार में ये सीखा था कि संसार में इस संसार को बनाने वाला भगवान है जो हमें चलाता है, जो पूरे इस यूनिवर्स को भी चलाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक प्लेनेट एक केवल एक ग्रह नहीं है, अर्थ हमारे पूरे यूनिवर्स में 8 प्लेनेट होते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, जुपिटर और सारे होते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और बहुत सारे प्लेनेट हैं जिसमें बहुत सारे सैटेलाइट भी होते हैं। हमारे अर्थ में केवल एक सैटेलाइट है और बिल्कुल एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है पूरे अर्थ को, जिसमें दिन रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, और हमारे बॉडी पार्ट्स में भी ऐसे कई ऐसे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं जिसको ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये सब काम अपने आप नहीं होता, ये इन सब को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि हमारे टेलीविजन, स्मार्टफोन, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह पूरे यूनिवर्स को, वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता है। और इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने आज का काम, जैसे कि हमने पढ़ाई की तो हमारे इतने परसेंट मार्क्स आए, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए हम भागीदार नहीं होते, ये हमसे करवाया जाता है और ये अपने आप नहीं होता, ये हमारे जो भी कर्म होते हैं अच्छे तथा बुरे उनके फल होते हैं, और ये सब फल देने वाले भगवान होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, अगर हम जैसे कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और पढ़ाई नहीं करते हैं तो मार्क्स हमारे खराब आते हैं, ठीक नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के जिम्मेदार होते हैं, फलों के भी जिम्मेदार होते हैं, और ये सब हमारे द्वारा करवाया जाता है, ना कि हम करते हैं, क्योंकि हम किसी के द्वारा यहाँ पे भेजे गए हैं अपने कर्म करने के लिए, और फिर लास्ट में जब हमारा सारा काम यहाँ से खत्म हो जाता है फिर हम वहीं वापस चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी हम करते हैं, या फिर हमारे पास जो भी है, या फिर हमारे इस जन्म के फल है या पिछले जन्म के, इसीलिए हम सबको ये बिलीव करना चाहिए कि इस संसार में भगवान होते हैं और उनकी हमेशा महिमा करनी चाहिए। थैंक यू। हाँ देखो कल है, हाँ देखो एक अनाउंसमेंट है, कल भागवत में सबसे बड़ा उत्सव है श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा। कौन सा पूजा है? बोलो श्री गिरिराज महाराज की। देखो गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है, भागवत में बताए कि गिरिराज की जो अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना किसने गिरिराज को भोग लगा दिया ना, किसी जीवन में उसकी घर में अन्न वस्त्र की कमी अभाव नहीं होगी, उसी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, इतने गिरिराज अन्नकूट की महिमा। आप लोग कोई गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हो? देखना वहाँ 12 महीना अन्नकूट चलती है, 12 महीना देखो गिरिराज की कृपा करते हुए है, इसलिए ये गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो हमारी सारी इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं। अब गिरिराज जो गए अब देखे होंगे, जो गिरिराज के जो पत्थर है ना शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखोगे, बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख दो ना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते, जितने शिला के ऊपर शिला रख दोगे। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं, भैया इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है ये मेरे से क्या मांगे? जो मांगोगे श्री गिरिराज गोवर्धन को गिरिराज सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। विश्व ब्रह्मांड तो बांके बिहारी जी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करता है? गिरिराज गोवर्धन। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? श्री गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की। इसलिए गिरिराज गोवर्धन पूजा की बड़ी महत्व है, कल हम सबके सब यहाँ पर श्री गिरिराज की पूजा करेंगे।
आप लोग अपना घर से जो बढ़िया चीज बनाते हो बगैर प्याज लहसुन के हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी हलवा बना सकते हो, जो चीज आप बढ़िया बनाते हो ठाकुर जी के लिए कुछ बना कर खिलाना, ठीक है। और नहीं तो कुछ नहीं तो कोई फल ला सकते हो, कोई मिठाई ला सकते हो। कल गिरिराज की भोग में हम लगाएंगे, फिर वो प्रसाद आपको मिलेगा। और कल गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, और गिरिराज परिक्रमा की बड़ी महत्व, आप लोग देखे होंगे गिरिराज में जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती है, देखना पेड़ में पेड़ बांध देते हैं, नहीं तो धागा बांध करके आते हैं, नहीं तो दूर धार की परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज की। जिनकी नौकरी चाकरी नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो गया, गुरु जी कहते थे आप गिरिराज की अभिषेक परिक्रमा करो, गिरिराज सारी इच्छाओं को ये गिरिराज पूरी कर देते हैं। गिरिराज की बड़ी महिमा है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की, बोलो श्री गिरिराज बाबा की जय। जय श्री राधे श्याम। अभी श्री राधा रानी जन्म लगी, आज एकादशी भी है, हम थोड़ी सी एकादशी की कथा सुनेंगे, फिर राधा रानी जन्म, फिर प्रसाद लेकर सबके समझाना, प्रभु जी थोड़ी सी कुछ कथा सुनाएंगे। सवेरे उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हैं, इसलिए कल कल क्या सुनाएंगे बच्चों को, सब कितने बजे, अगर आप लोग 10 बजे चाकरी नौकरी करते हैं अपना ऑफिस में हैं, वो थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे, अगर आप अपना बच्चों को भेज सकते हो, आज ये सब छोटे छोटे बच्चे आए थे जो कथा सुना रहे थे ना, ये सब बच्चे सब आए थे, इसलिए हो सके तो कल अगर 10 बजे भेजोगे ये आधा एक घंटा बच्चों को कथा सुना करके फिर अपना ऑफिस में चले जाएंगे। आप लोग जरूर अपना बच्चों को भेजना, भेजोगे तो कम से कम बच्चों के ऊपर अच्छी संस्कार पड़ेगी, बच्चे अच्छे बनेंगे, पिता माता की आदर करेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रभु जी थोड़ी कुछ बोलेंगे, फिर हम गिरिराज से राधा रानी कथा सुनेंगे। ओम ज्ञान तिम्रांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत किधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में नत कोटि सर्व प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत को सर्वत प्रणाम। यहाँ पर सिर्फ कुछ पात कल की प्रभु के चरणों में सर्वत प्रणाम। यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य। गुरु जी ने आज्ञा दी थोड़ी सी हरी कथा सुनाने के लिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले विशाखा जी ने कुछ बोल रही थी ना, सब लोग सुन रहे थे ना ध्यान से, किसे लोगों ने सुना हाथ बताओ मुझे। डॉक्टर बहुत खतरनाक है, देख रहा दवाई खा रहे ठीक है। देखो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी, असली बात, मैं अपनी खुद की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं मेरा दो दोस्त हम लोग जा रहे थे एटा, पता ना यूपी में एक जगह है, हम लोग एटा जा रहे थे, वहाँ गुरु जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन उसके लिए ना सुबह निकलना था और हम लोग तो बाहर खाते नहीं, बिना लहसुन प्याज का खाते, बाहर तो बिना लहसुन प्याज का मिलता नहीं है। उन्होंने बोला था देखना कोशिश करना बना के ले आना, मैंने सोचा ठीक है। 8 बजे निकलना था, मैं सुबह जल्दी उठ करके मैं नहाया, नहाने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ बना लेते, कुछ रास्ते में ले जाने के लिए कुछ बना लेते। आप लोगों में कितने लोग रसोई बनाना जानते हैं, कुछ माता जी नहीं जानते, सब लोग जानते ना। देखो बहुत अच्छी कहानी ध्यान से सुनो। तो जब मैंने खुद बनाया, मैंने आलू की सब्जी
और कोड़ी बने, आटा लगाया, उसको थोड़े देर तक रखा, उसके बाद मैंने आलू की सब्जी बनाई, बढ़िया, उसमें तेल दिया, जीरा दिया, हींग दी, मिर्ची दी, हरी टमाटर दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद उसको जल्दी जल्दी बना दिया। मैंने बोला लेट हो रहा है, जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाया, टिफिन में पैक करा और ले गया, बस में ले गए, बड़े निश्चिंत हो गए, चलो प्रसाद भी है, सब कुछ है, बस बस खाओ चकाचक, चलो बस में बैठ गए। उनको भी मैंने बोल दिया कोई चिंता करने वाली बात नहीं, मैं बना करके ले आया हूँ, बोल दिया उनको, जो दो लोग थे ना उनको बोल दिया मैं बना करके ले आया। लेकिन जब थोड़ी दूर चले वो बोला लाओ भैया क्या बना करके लाए थे, निकालो। निकाला, जैसे किया खाने लगे ना उसमें नमक भी नहीं था, मैं नमक डालना भूल गया, क्या डालना भूल गया, नमक डालना भूल गया, नमक डालना भूल गया ना, तो उन लोगों ने बोला अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैंने सोचा कि देखो मैं सुबेरे उठा, ठंड में नहाया, इतने गर्मी के साथ में बनाया, इतनी देर लगी, एक डेढ़ घंटा लगा था, डेढ़ घंटा टोटल लगा, मेरे को आता भी नहीं अच्छे से बनाना, डेढ़ घंटा लगा, डेढ़ घंटे में सब बनाया, लेकिन सारी की सारी मेहनत क्या हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, और बस के अंदर को नमक भी नहीं था कि डाल, किसी ने नहीं खाया, वो खाया ही नहीं किसी ने। अब हमने पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई, कितनी छोटी सी चीज थी, क्या था, बहुत छोटी सी चीज है और बड़ी सस्ती है, आलू के सामने देखो, टमाटर के सामने देखो, हल्दी के सामने नमक तो बहुत सस्ता है, कोई कीमत नहीं उसकी, इतना सा नमक, लेकिन उसके बिना खाना कैसा रह गया, फीका रह गया। ठीक इसी प्रकार हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा घर हो सकता है हमारा बहुत बड़ा परिवार हो, हमारे बहुत सारे बच्चे हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हो जो दूसरों के पास नहीं हो, लेकिन ये सब चीज होने पर भी अगर हमारे जीवन में ठाकुर जी का नाम, भक्ति, भजन, गीता, भागवत नहीं, तो हमारा जीवन ठीक वैसा है जैसे बिना नमक का वो भोजन, मतलब कैसा, फीका, कैसा, जोर से बोलो फीका। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात मीरा जी बोल रही है, मीरा जी कह रही है कीर्तन में, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, भजन बिना नर भी को हली मने लागे वृंदावननी को। इसलिए अपने जीवन को सब लोग फीका मत रखना, सब लोग नमक मिलाओगे ना, कौन कौन चाहता है कि हाँ हमें हमारे जीवन में नमक मिलाएगा, आप उठाओ ये नमक, ये वाला नमक परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा, ये इधर से, ये ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। सब लोग बोलते हैं, अक्सर बोला जाता है कि ये जो भजन ठाकुर जी का नाम ये कब करना चाहिए, बुढ़ापे में कब करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, और बाकी समय बोला जाता है कि बहुत सारे काम करो, मोटिवेट किया जाता है बच्चों को भी, सबको मोटिवेट करते हैं, कैसे, देखो मैं अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था ना, जब फिफ्थ क्लास आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास आई, हमारे समय पर जो थी, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ फिफ्थ क्लास बोर्ड क्लास होती थी, बोर्ड क्लास मतलब पेपर कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, बोर्ड से पेपर आएगा, ऐसा बोलते थे घर वाले, अरे अब ये कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, फिफ्थ क्लास आ गई है, पेपर बाहर से आएगा, फेल हो गए ना कोई पास भी नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ लो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ लो गंगा नहा ली, क्या कर लिए, गंगा नहा ली, एक बार पढ़ के एग्जाम दे दो बस, फिर छुट्टी, सारी सारी गर्मी की छुट्टी में खेलते रहना। हम लोगों ने भी पढ़ाई करी, फिफ्थ क्लास पास हो गए, जैसे ही एग्जाम खत्म हुई वैसे बोले कि अरे वो तो छोटी सी क्लास, अब कौन सी बोर्ड आ रही, एट्थ बोर्ड, कौन सी बोर्ड, बोर बड़ी बोर्ड है, उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पास नहीं हो गए तो फिर तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, बस कर लो एट बोर्ड पास कर लो, समझ लो तुम्हारा हो गया, होने ही वाला है, बस गंगा तुम नहा लिए, सुखी हो जाओगे। उसके बाद बोलते अरे फिफ्थ एट, ये सब बच्चों की छोटी छोटी क्लास, अब आ रही है कौन सी बोर्ड, टेंथ बोर्ड, टेंथ बोर्ड अगर अच्छे से पास करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस टेंथ बोर्ड की मार्कशीट हमेशा चलती है लाइफ लॉन्ग, क्यों, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है ना टेंथ की मार्कशीट में, बोला सारी जिंदगी 50% की मार्कशीट लेके घूमना डेट ऑफ बर्थ सिखाने के, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, सुखी हो जाओगे, टेंथ बोर्ड भी हो गई, सब्जेक्ट भी मिल गए, अब कौन सा बोर्ड आ गया, कौन सा, ट्वेल्थ बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड आ गया,
ट्वेल्थ बोर्ड में पास हो गए, अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा, अच्छे एंट्रेंस एग्जाम दोगे तब जाके अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम से होगा तो क्या करेंगे, आईआईटी जाएगा कोई, कहाँ जाएगा, ये सब भी हो गया। बोलते साहब क्या कौन कौन सी क्लास हो गई अभी, एट फिफ्थ एट टेंथ और ट्वेल्थ, क्या बोलते अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, अच्छा कॉलेज भी मिल गया, फिर बोलते कॉलेज में अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई कर ली, बाद में बोलते अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, वो भी हो गई, अच्छा पैसा भी होने लगा। अभी कहानी चल रही है कि सारी दुनिया पढ़ाई करती है, सारी दुनिया पैसा कमाती है, क्या होना चाहिए शादी होना चाहिए, क्या होना चाहिए शादी हो जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे सुखी हो जाओगे। उसके बाद बोलते शादी सारी दुनिया करती है, क्या होना चाहिए बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। उसके बाद बच्चों को फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एट टेंथ ट्वेल्थ वही वाली कहानी चालू होगी ना। आप लोग भी ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं हो, कोई टेंथ में होगा, कोई एट्थ में होगा, कोई ट्वेल्थ में होगा, कोई कॉलेज में होगा, या कोई जिसने शादी कर ली होगी, बच्चे होंगे, सब कहीं ना कहीं है ना इस कहानी में। कौन इस कहानी के बाहर है, हाथ उठा, सभी इस कहानी के अंदर है। क्या हमें तो बोला जा रहा है कि बस होने वाला है, होने वाला है, क्या कोई अब तक सुखी हो गया, हाथ उठा करके बताओ कि हाँ मेरी तो सुख की खोज खत्म हो गई, सब मिल गया जी, होता ही नहीं है ही नहीं, आगे का रास्ता दिखा रहे, यहाँ तक पहुंच गए तो उधर, उधर तक पहुंच गए तो उधर। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मृग मिरीची विराज रेगिस्तान के अंदर जो बालू रेत होती है ना, जब वो तपती है, जब तेज धूप में जब वो तपती है ना तो पानी जैसी लगती है, कैसी लगती है पानी जैसी, और जब वो हिरण उसको देखता है ना उसको लगता है अरे दूर में पानी है, और तेजी से भागकर वहां जाता है, वहां भागकर जाकर देखता है तो वहां क्या मिलता है बालू मिलती है, लेकिन दूसरी जगह देखता है तो फिर उसको उधर पानी दिखता है, फिर उधर भागता है, उधर जाके भी क्या मिलता है बालू, हर जगह क्या मिलेगा क्योंकि रेगिस्तान में पानी है ही, बेचारा छटपट छटपट करके भूख प्यास से मर जाता है। अगर हम लोग भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो ये हम ढूंढ रहे हैं बालू में पानी, रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, जहां है ही नहीं वहां से मिलने वाला ही नहीं, ऐसे करते 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 आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है बूढ़ा, जब बूढ़ा हो जाता है ना फिर किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं रह जाता, जूस निकल जाता है उसका पूरा, क्या निकल जाता है जूस, कैसे जूस निकलता है, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा है, एक बार डालते उसका मन नहीं भरता, फिर लपेट के दूसरी बार डालते, फिर तीन बार लपेट के डालता है, फिर चार बार, फिर वो अभी भी देखता अभी भी है इसमें, अभी भी जान है, फिर डालता है, एंड में भूसा बन के उधर से निकल जाता है, निकल जाता है ना। ये हमारे साथ भी ऐसा होता, हमारे साथ भी ऐसा होता, जब तक जान है जब तक लोग बड़ा जैसे बूढ़ा हो जाता है ना, भूसा कचरे के ढेर में और बूढ़ा आंगन में दोनों आ जाते हैं। सही सही बात बता रहा हूं, सही सही बात, यही कंडीशन है संसार में, तो यही हो रहा है, बूढ़े होने के बाद ना कोई बात करने आने वाला आपके पास में, कोई नहीं आएगा, पूछ करके देख लो, आवाज मारते रह जाए बहू सुन ले, आवाज मारते रहो कोई सुनने वाला है, सच बात, उनको भी बात करनी है करना, लेकिन अभी तो भगवान की कृपा से टीवी आ गया तो उसी में घुस जाते सब लोग, लेकिन बड़ी दयनीय कंडीशन है। लेकिन वही बूढ़ा जब मर जाता है ना, क्या हो गया मर गया, तो मरेगा तो सब घर को ही मरना ही पड़ेगा, जब वो बूढ़ा होकर के मर जाता है उसको बढ़िया सुंदर अर्थी पे सजाते हैं, अर्थी पे सजाते हैं, उठाते हैं और उसको अर्थी पे ले जाते हैं, और ले जाते हुए बोलते सुन तूने बोला था ना, हम तुझे बोल रहे थे फिफ्थ क्लास सही बात बोल रहे थे, वो हमने झूठ बोला, क्या बोला था झूठ, उसके बाद हमने एट्थ बोला था ना वो भी झूठ है, मजाक किया तेरे साथ, टेंथ क्लास तो और झूठ, बारहवीं भी झूठ, कॉलेज भी झूठ, तेरा पैसा भी झूठ, और शादी तो भयंकर झूठ, हम तेरे साथ मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे मजाक कर रहे थे, कि हम लोग बोलते जो मर जाता उसको, हम सब मजाक कर रहे थे, जो तेरे को बोला ना सब कुछ झूठ था, सुन अरे राम नाम सत्य था, क्या था बाकी सब बात क्या थी, हमने तेरे साथ झूठ बोला, क्या हम लोग झूठ बोल रहे, हम लोग झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, क्या हम लोग सच बोलते हैं एंड में कि राम नाम, हम लोग बोलते हैं ना ये सब बात, हम सबको पता है ये ब्रह्म ज्ञान हम उस आदमी को जब देते हैं जब वो आदमी मर चुका है,
जब वो कर्ज कर ही नहीं सकता, जब हम उसको ये बात बताते हैं, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, अगर हम उसको सही सही बात बता देंगे तो फिर हमारा कैसे पूरा होगा, ठीक बात है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब लोग स्वार्थी नहीं होते। कुछ लोग दुनिया में ऐसे है जो बीच में भी आकर के बोलते हैं कि क्या सत्य है, राम नाम। वो कौन है? गुरु जी है। गुरु जी है बीच में आकर के बोलते हैं, सुनो बच्चों, जो तुम जो भी कर रहे हो करो, लेकिन ये सोच करके करो कि हमारे साथ में क्या जाने वाला, जो चीज साथ में जाने वाली है उसको पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान उस पर ही देना चाहिए। देखो विशाखा मामी थोड़ी देर पहले, दीदी पहले बता रही थी थोड़ी देर पहले, क्या स्त्री लोग भजन नहीं कर सकती? स्त्री लोग भजन कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती। स्त्री लोग और अच्छे से भजन कर सकती है, ठाकुर जी की सेवा कर सकती है, मंदिर में ठाकुर जी का स्नान भोग आदि लगा सकती है, ठीक है। इसलिए देखो आपने सबने शबरी का नाम सुना है, माता शबरी का नाम किस किसने सुना है, हाथ खड़ा करके। क्या शबरी जी ने जो भजन किया आप लोग नहीं कर सकते? सब कर सकते। शबरी जी क्या करती है? शबरी जी केवल और केवल है ना राम जी के बारे में सोचती है, राम जी के बारे में। सुबेरे उठती, उनके गुरु जी ने कहा था, बेटी तुम इस आश्रम में रहना, तुम इस आश्रम में रहोगी, सेवा पूजा करोगी, तो एक दिन कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? और जोर से बोलो, राम तुम्हारे पास में आएंगे। बस एक बार गुरु जी ने बोला था। लेकिन शबरी क्या करती है? रोज सुबेरे उठती है, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल मार्ग में सजाती है, राम आएंगे तो इन फूलों पर चल के आएंगे, उनके पैरों में कोई कांटा ना लग जाए, राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल बेल चक्कर के लेकर के आती है और राम जी के लिए रखती है। क्यों? राम आएंगे तो क्या खिलाऊंगी? कुछ तो होना चाहिए ना खिलाने के लिए, क्या खिलाऊंगी? ये फल खिलाऊंगी। इतना सुंदर इंतजार करती है, देखती है शाम हो गई राम तो आए नहीं, फिर वापस चली जाती है। महाराज कृति का सुंदर सजे लड़की सजी उनको ले आओ, जल्दी खत्म कर देते। लेकिन देखो जब सारी जिंदगी किया ना, तो एक दिन राम सचमुच में। अगर हम लोग भी रोज ठाकुर जी को भोग लगाना, स्नान आदि कराना, ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाना, अपने बच्चे को भी खिलाना, परिवार का पालन करना, ये सब करते करते अगर हम ठाकुर जी का नाम करेंगे, क्योंकि ये इस पूरी दुनिया में केवल एक ही बात सत्य है, ठाकुर जी का नाम। ये बात हमें नहीं, बड़े बड़े संतों ने इस बात को बोला, इसीलिए नाम को लेकर के सारे काम करते करते अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, वरना फेल क्या हो जाएंगे हम लोग, फेल हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोग भी ठाकुर जी का नाम करो, भजन करो, यही बात है। एकादशी तिथि की जोर से बोले, एकादशी तिथि की आज कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो, हाथ उठाओ कौन कौन एकादशी व्रत रखे। कुछ कुछ बीच में गोपियां नहीं की, क्या कल कथा सुनने नहीं आई थी? हाँ देखो एक छोटी सी, एक आज एकादशी है ना, एक कथा सुन लो। बोले हमारे भारत में एक राजा थे जिनका नाम था रुक्मांगद महाराज। उनका नियम था स्वयं एकादशी व्रत रखते थे, सबको एकादशी व्रत रखवाया करते थे। बोलते थे मेरे देश में जो एकादशी नहीं करेगा उनको देश से निकाला दूंगा मैं। इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखते थे। एकादशी मतलब होता है 11 से ही है, बोले 11 इंद्रियों से सबके सब, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय। सबके सब ठाकुर का नाम कीर्तन करते थे। अभी जिस घर में ठाकुर का नाम कीर्तन हो ना, वो घर में पाप कभी घुसेगा नहीं। इसलिए देखो आपका घर में कोई दुख कष्ट हो ना, सबके सब बैठ जाओ ठाकुर का कीर्तन करना, स्वयं देखोगी बड़े से बड़े भूत पिशाच डाकिन साकी ठाकुर का नाम की आवाज जितने दूर तक जाएगी कोई गंदा चीज वहां पर नहीं आएगी, घर में सब शांति सुख आ जाएगी। स्वयं देख लेना, स्वयं ये चीज को परख करके देख लेना। अभी जो पाप था ना बड़ा दुखी हो गया, अभी रो रो दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गया, बोले प्रभु मेरे को सृष्टि क्यों किया, मेरे को जान से खत्म कर दो,
बोले क्यों? बोले पता नहीं ये रूपमागध महाराज कहाँ से आए। ए बात बात करो बीच में चुप रहो, मूल हाथ लग गए मूल मामूल लग गए। इसलिए कहते ये राजा कहाँ से आए, खुद तो व्रत रखते हैं और सबको एकादशी व्रत रखवा करते हैं। इसलिए जिस घर में जाओ गोविंद जाइए गोपाल जाइए, हम तो किसी घर में घुस नहीं पाए, घर में मेरे को मार दो नहीं तो मेरे को कोई स्थान दो। बोले कोई चिंता मत करो व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने एक सुंदरी लड़की बनाई जिसका नाम था मनमोहिनी। सचमुच से ये पृथ्वी में इतनी सुंदर स्त्री कभी होती नहीं, जैसे स्वर्ग से कोई रंभा और बस जैसे उतर कर आए, इतने सुंदरी को देखने में थी। बोले पिताजी बताओ क्या काम है? बोले देखो कि जो रुक्मागत महाराज रोज जंगल में शिकार करने जाते हैं, किसी तरह से उसको साथ में शादी करके घर में जाओ और एकादशी व्रत को बंद करा दो। उन्होंने जब गए एक दिन राजा जंगल में घूमने गए, बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। एक बामदेव नाम का ऋषि को आश्रम पर पहुंचे, ऋषि ने इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में कौन थे? बोले कौन? बोले सुना पूर्व जन्म में आपके शूद्र थे, आपकी जो पत्नी है ना वो की वेश्या शूद्रानी थी, लेकिन थी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी थी, उसका प्रेम में आप इतने पागल थे, जब वो बैठे आप भी बैठते थे, जब वो चलती आप भी चलते थे, वो खाए तो आप खाते थे, उसको प्रेम में एकदम पागल थे। एक दिन क्या हुआ आप दोनों को पता नहीं था आज एकादशी व्रत, देखो अनजान में भी एकादशी का कितना बल है, तुमको पता नहीं था आज एकादशी व्रत, और सवेरे सवेरे आपको पत्नी में बुखार आ गई, आप तो उसको बहुत प्रेम करते थे, अब उसने भोजन नहीं किया, आप भी दुखी होकर के भोजन नहीं किए, अभी उसी दिन निर्जला व्रत हो गया, अनजान में निर्जला व्रत हो गई, और दूसरे दिन वो वेश्या ने शरीर त्याग दी, आप भी शरीर त्याग दी। महाराज आप जो एक एकादशी व्रत किया था उसका फल अब देश में राजा वो जो अपनी के पत्नी वेश्या वही रानी बन करके आए। आपको एकादशी में इतने निष्ठा क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में एक निर्जला एकादशी करते राजा की इतनी निष्ठा बढ़ गई, अनजान में एक एकादशी की इतने महत्व। थोड़ी दूर गए मोहिनी से मिले, वो तो मनमोहिनी बड़ी सुंदरी थी, देखने में लग रहा था कोई पति को ढूंढ रही है। बोले तुम्हारी नाम क्या है? बोले मनमोहिनी। बोले सचमुच से तुम मनमोहिनी हो, क्या सुंदर रूप हो, देखने से पता चलता है तुम एक पति को ढूंढ रही हो। बोले हाँ मेरे जैसे कोई सुंदर पति ढूंढ रहा हूँ। बोले देख मनमोहिनी के देश का मैं राजा हूँ, मेरे से शादी करोगी? बोले एक शर्त पर शादी करूंगी। बोले बताओ? बोले जब जब मैं कोई बात बोलेंगी ना उसको सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम सहधर्मिणी हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनूंगी? तो उनने शादी करके ले आए, लेकिन पहले पहले राजा बहुत शादी करते थे, पहले भी उनकी शादी थी, पहले उनका बेटा का नाम था धर्मागर, एकदम धर्म स्वरूप सुंदर बेटा था। जब राजा शादी करके लाए उनको स्वागत की, इतने में वो मोहिनी क्यों आई एकादशी को नष्ट करने के लिए? वो मोहिनी छुपा करके गुप्त रूप में ब्राह्मण को बुलाए। बोले देखो अगर राजा अगर पूछे किसको किसको एकादशी करनी चाहिए, शास्त्र की बात नहीं बोलना, कुछ मन गणत बात बोल देना, तुम ये बोलना जो बूढ़ी हो गई विधवा हो गए अगर इच्छा हो तो कर ले, सबको एकादशी एकादशी करने का कोई जरूरत नहीं। अगर ये बात को स्थापन कर दिया ना सोने रत्न से तुम्हारी झोली में भर दी। अरे ब्राह्मण तो थोड़ी लोभी थे पैसा की, अभी उनकी बात पर आ गए। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, लेकिन उनके देश में नियम था जैसे कल एकादशी, एकादशी से एक दिन पहले हाथी को पीठ के ऊपर बैठ करके ढिंडरा पिटवाया करते थे। बोले सावधान कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। इतने में रानी ने पूछा महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे हैं? बोले देखो रानी मेरे देश में नियम सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता है। बोले एकादशी फिकादशी कुछ संस्कार कहां से है? किसी पुराने शास्त्र में है ना क्या तो हम ये मन गणत बना दिया। बोले शास्त्र में? बोले दिखाओ दिखाओ कहां पर। लेकिन राजा को तो पता ही नहीं, रानी पहले पट्टी पढ़ा कर रखी इनको है, राजा को पता ही नहीं था। राजा ने बुलाया ब्राह्मण को, राजा को ग्रंथ पढ़ते नहीं, ब्राह्मण से पढ़वाया करते। बोले भाई पंडित लोग लाओ बताओ किसको किसको एकादशी व्रत करना। पंडित लोग तो शास्त्र बात को ढक दिया। बोले महाराज जी कोई जरूरत नहीं एकादशी फिकादशी करने का, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गई कर लिया नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्यों जरूरत है बच्चों को व्रत रखने का?
बोले भैया तुम लोग तो पहले ये बात बताए नहीं, तुम लोग खुद बोलते थे मैया जसोदा नंद बाबा ने पुत्रता एकादशी की तुमको बेटा मिला। स्वयं श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत तिथि सुदर्शन चक्र उनको रखा करता था। दुर्वासा ऋषि आए तो एकादशी व्रत नष्ट हो रही थी, स्वयं सुदर्शन चक्र आकर के दुर्वासा जी को पीछे भागे, उनको ब्रह्मलोक शिव लोक कैलाश तक भगा ले गया, लेकिन उनको कहीं रखा नहीं। अम्बरीश के चरण में माफी मांगना पड़ा। अब तो स्वयं करते थे रुक्मणी और सत्यभामा एकादशी पूर्व जन्म में एकादशी व्रत रखी थी। रुक्मणी सत्यभामा इसलिए कृष्ण का पटरणी बन करके आए, शिक्षा देते हैं इसी जीवन में आप जो एकादशी व्रत करोगे ना कृष्ण की पटरानी बनोगे, कृष्ण की तुम पटरानी बनोगे, ठाकुर अपना धाम में तुम्हें स्थान देगा है, ये भागवत कहता है। और देखो जो सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो सबसे बड़ी कौन सी एकादशी, पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव द्रौपदी कुंती को साथ में जो एकादशी सबसे बड़ी एकादशी उसमें द्रौपदी एकादशी रखती थी। कोई कहीं कहते ना नहीं विधवा रखती, क्या द्रौपदी विधवा थी ना, मैया जसोदा विधवा थी ना अम्बरीश की पत्नी विधवा थी, कोई विधवा नहीं थी। इसलिए पुराण में बताया 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको एकादशी व्रत करनी चाहिए, शास्त्र ने बताया। और एकादशी का दिन करने में गोहत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या सारे पाप एकादशी में रहते हैं। कल मैंने साइंटिफिकल कुछ कारण बता रहे थे ना क्यों इसमें क्या साइंस है। एकादशी का दिन अगर हम फल फूल खाते हैं, जैसे ये शरीर एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे ना एक दिन ये मशीन खराब हो जाएगी, इसलिए 15 दिन में एक बार उसको रेस्ट देना और ऐसे भोजनों पर जो आसानी से हजम हो जाए है, हजम हो जाए। अगर एकादशी का दिन अन्न खाओगे फिर बीमारी पड़ोगे, लेकिन बीमारी पड़ोगे ना फिर मेडिसिन खाओगे, क्या खाओगे, मेड ईट सीन टेरामाइसिन क्रोसिन, ये सीन सीन मतलब पाप है। बोले भैया इसे बीमारी क्यों पड़ते हो, ये पाप से बीमारी पड़ते हो, इसलिए इसका नाम मेडिसिन टेरामाइसिन क्रोसिन, उसे सीन पाप से सब कैसे होता है। इसलिए यहाँ पर श्री रुक्मागत महाराज बोले भैया तुम लोग इतनी इतनी सारी बात बोलते थे एक दिन में बदल गए कैसे, मेरे देश में एकादशी व्रत रहेगी। मोहिनी बोली महाराज शादी से पहले मैंने संकल्प कराया था, मैं जो बोलूंगी आपको करना पड़ेगा है, करना पड़ेगा, अगर एकादशी नहीं होकर फिर मैं जा रही। बोले जरा तो तू चले जा, कोई जरूरत नहीं रहेगा है। लेकिन इनका जो बेटा था ना ये धर्मांगत साक्षात धर्म स्वरूप, उनने छोटी मैया की चरण में गिर पड़ी, बोले मैया मत जाया करो घर से, लेकिन एकादशी व्रत तो छोड़ नहीं सकते, इसका विनिमय में आप जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार है। देखो वो क्या कहती है, अगर मैं तभी रहूंगी अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तेरे सर को काट करके मेरे को दे दे तभी मैं रह सकती हूँ। राजा बोले एक बेटा जो राज सिंहासन में बैठने वाले कभी पिता माता गला काट सकते कभी, बोले स्त्री ना तू पिशाच नहीं हो, हम ये नहीं कर सकते, तू चले ना तो चले जा। लेकिन बेटा धर्मांगत है, बोले पिताजी ये शरीर आपसे मिला है, मेरा पहला कर्तव्य अपना पिता माता की सेवा करनी चाहिए, एक दिन तो मैं मरूंगा, जब मरूंगा अगर ये शरीर से पिताजी की सेवा हो और एकादशी व्रत ठाकुर जी की बांके बिहारी जी की से व्रत है, अगर जगत में व्रत रहेगा, अगर मैं मरने पर एक दिन तो मरना पड़ेगा, अगर ये शरीर से इतने बड़ी काम होगी तो फिर पिताजी मेरे गला काट कर दे दो। जब गला काटने के लिए गए ना भुचाल शुरू हो गई, साक्षात वैकुंठ से भगवान स्वयं नारायण वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी स्वयं आ गए, बोले बंद करो बंद करो बंद करो, ठाकुर जी स्वयं मोहित मोहित पर बेहस हो गई। ठाकुर जी बोले रुक्मांगत ये एकादशी व्रत मेरी व्रत है, लेकिन मेरे व्रत के लिए तुम अपनी आप को तुमने समर्पण कर दिया, वैकुंठ से रथ में बैठो मेरे पास में चलो। बोले धर्मांगत एकादशी व्रत मेरा व्रत है, लेकिन मेरे व्रत के लिए तुमने अपनी आप को नौछावर कर दिया, अभी पृथ्वी को पर तू राजत्व कर, तेरे लिए भी वैकुंठ से रथ आएगा। बोले प्रभु मेरे को कहीं स्थान दो। बोले देखो एकादशी का दिन जो अन्न खाएगा, एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा, जैसे दाल सब्जी जैसे होता है ना, जैसे रोटी है जो कुछ बनता है गेहूं से, एकादशी का दिन अन्न में ये जितने गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या पाप रहेगा, जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप को भुगतना पड़ेगा।
हैं सारे पाप। अभी मोहिनी बोली प्रभु मैं करनी चाहिए, नहीं तो दशमी विधा जो एकादशी है पहले जो एकादशी उसका फल आपको मिलेगा नहीं, इसका फल ये मोहिनी ले लेती है, ये फल आपको नहीं मिलेगी। अगर दो एकादशी आ जाए तो दूसरे दिन जो एकादशी की विशेष महत्व ये एकादशी का। और नियम है जब जैसे आप व्रत खोलो, नियम है व्रत खोलने से पहले किसी साधु ब्राह्मण को जैसे सीधा होता है ना, सीधा देते हैं दाल चावल थोड़ी रोटी, दाल चावल थोड़ी सब्जी देते हैं, अगर उनको दे करके अगर ये व्रत खोलोगे उसका विशेष महत्व है, इसका विशेष महत्व। इसलिए अब हो सकता तो जैसे व्रत खोलने से पहले थाला में थोड़ी सी चावल दे दिया, थोड़ी सी आटा रख दिया, थोड़ी हल्दी रख दिया, थोड़ी सब्जी रख दिया, उसको एक थाली में सजा करके रख लेना। रख करके अगर जैसे हमारे यहाँ पर मठ है जिसमें संत लोग नोएडा में रहते हैं, अगर उसको एकत्रित करके रखोगे, हमारे जैसे विशाखा दीदी यहाँ पर रहती है, अगर उसको एकत्रित करोगे ना वहाँ भेज देना, वहाँ पर संत लोग रहते हैं और हर संडे को वहाँ उत्सव होता है, जन्माष्टमी राधाष्टमी होता है, अगर वहाँ पहुंचेगा तो सब भक्त लोगों की सेवा में वो चीज लग जाएगी, भक्तों की सेवा में। इसलिए नियम है उसको करके करो, फिर एकादशी का विशेष महत्व प्राप्त होता है। इसलिए देखो एक एकादशी व्रत अनजान में एक एकादशी पति पत्नी कर दिया, उसका फल देखो देश का राजा और रानी बने। अगर आप भक्ति पूर्वक एकादशी करोगे तो एकादशी करने से भक्ति ठाकुर के चरण में प्रेम मिलती है, ठीक है ना। जो लोग किए हो धन्यवाद आपको है, जो नहीं किया कोशिश करना, जब अगली बार आए आप लोग जरूर एकादशी व्रत को रखा करना। बोले श्री एकादशी व्रत की। हाँ देखो अभी राधा रानी आएगी, आज एकादशी है, ये भगवान की सबसे प्यारी एकादशी व्रत है। आज अगर एक माला करोगे ना आपको 100 माला करने का फल मिलेगा, कितने माला करने की 100 माला करने की फल मिलेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे आज एकादशी 5 मिनट हम ठाकुर जी का एक नाम जप करेंगे, उसको बाद में फिर राधा रानी आएगी, फिर राधा रानी का राधा जन्मोत्सव करके पहचान। हाँ तीन बच्चे माला दे दो, रबर दे दो, तीन बच्चे दे दो माला, प्रभु ये माला लेकर सबको बांट दो, बच्चियाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी होकर माला बांट दो सबको, कोई माला लेना नहीं वापस मेरे को, ये बच्चों को दे दो आधा आधा कर दे दो, ये बच्चों को दे दो आधा आधा कर दे। माला कोई लेना नहीं मेरे को वापस दे देना। हाँ बच्चों बैठ जाओ, सबसे बैठ जाओ। हाँ देखो माला कैसे करोगे देख लो, कल मैं आपको समझाया था ना माला, याद है जब चैतन्य महाप्रभु बोले सबको, महाप्रभु जब निमंत्रण दिए प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, मैं उसकी घर में खाना खाऊंगा जो लखपति बनेगा। मैंने आज 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको पास में 1 लाख रुपया हो उसको घर में खाना खाऊंगा। भक्तों बोले प्रभु 1 लाख रुपया हमारे घर में 100 रुपया नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपया उस समय 1 लाख स्वर्ण। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, क्या फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। फिर भगवान ने क्या समझाए, बोले 1 लाख जो प्रभु का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल होंगे, और माया के जो बने पुजारी आत्मी हो कांगल होंगे। इसलिए ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। इसलिए भगवान का नाम ही असली धन है। अब लोग देख लो कैसे लखपति बनोगे, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन बोलते ना कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। अब लोग देख लो कैसे लखपति बनोगे, मेरे तरफ में देखो जैसे ये माला है ये अंगुलों को टच नहीं करना, ठीक है ना, ये गंदा अंगुल ये सबसे पहले निकलता, मैं तुमको देख लूंगा। ये बीच वाले अंगुलों में रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल करके इसमें एक मोती सरकेगा, दो बार बोलेगे दो मोती, तीन बार बोलेगे तीन मोती। देखो लखपति कैसे बनोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोलह बार हो गया है, इसमें 108 मोती है। करते करते जब यहाँ पर समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करनी चाहिए, घुमा देनी चाहिए। अगर ऐसे 16 माला कर लिया तो हो गया 25,000, अगर 32 माला कर लिया ना हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? बोले दिन दिन बढ़त सवाय, कल आपको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000। ये धन इतने जब ऊपर जाओगे ना खाता खुलेगा, माला ही माल तुम्हारी, तुम्हारी ये वीआईपी व्यवस्था हुई बढ़ेगी। देखो माला तो हम एक करेंगे, लेकिन जानते हो कितने माला करने का फल मिलेगा? हम जितने यहाँ भक्त बैठे माला तो एक करोगे, आज एकादशी है, एक माला से 100 माला करने का फल मिलेगी। समझो आज कितने तुम्हारे पास में माला माला हो जाओगे, सोच नहीं सकती है। माल पूरा के पूरा ऊपर में यही माल ही मिलेगा, और कोई माल आपको मिलेगा नहीं। इसलिए सबके सब आंख बंद कर दो, समझो गांधी बिहारी को सामने बैठे, उनकी चरण में बैठे करके हम ठाकुर जी को नाम ले रहे हैं। हरे मतलब क्या? जो दुख कष्ट हर जाए। कृष्ण मतलब क्या? मन भटकते नहीं। राम मतलब जीवन में हमें जो आराम मिले। ये तीन चीज आपको करने से मिलेगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ में करो एक मोती सरगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की कल गिरिराज पूजा है। हम लोग घर से थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बगर प्याज लहसुन के बना कर लाना, अच्छी चीज लाना। कल गिरिराज की भोग होगी, वो प्रसाद आप लोग ले जाएंगे। जो प्रसाद लाओगे प्रसाद आपको ही प्रसाद मिलेगा, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ, मिशा के दिन देखो तो उनको बना करके ले आओ, तैयारी ना। हाँ, बच्चों बैठ जाओ, माताएं बैठ जाओ, 5 मिनट में राधा रानी आ रही है, फिर सब प्रसाद लेकर के जाए। बच्चों सब बैठ जाओ, सबके सब, कोई खड़े मत हो, बैठ जाओ। एक बार जोर से राधा रानी की जयकार करो। बोले श्रीमती राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, हम लोग वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन में गए हो? देखना वृंदावन में कोई भी गम के बिहारी का नाम नहीं लेते, कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। बोलो तो क्या बोलते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। और जोर से, राधे राधे। वृंदावन में सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले भैया राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, वहाँ पर कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं? कारण है, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी माँ है ना, माँ का नाम लो ना, देखना मुँह खुल जाती है, मतलब भैया जरूर मुझे खाना देगा। इसलिए राधा रानी की कृपा होने से ही बांके बिहारी मिलेंगे, राधा रानी की कृपा के बगैर बांके बिहारी नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधा रानी होली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी होली वाली चंचल बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे।
बिहारी अपने आप भागते भागते आते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते चंद्रमा को, बोले हे चंद्रमा, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदोत्तमम जा करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं चंद्रमा को, देखो क्या कहते हैं, बोले हे चंद्रमा जो मेरा नाम सौ बार ले, वाक्य बिहारी का नाम सौ बार ले, अगर एक बार कोई राधा रानी का नाम ले लेना, एक राधा रानी का नाम के बराबर कृष्ण के सौ नाम, कृष्ण के सौ नाम के बराबर किसी राधा नाम है। इसलिए वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से। इसलिए कुछ लोगों का कहना है, भैया तुम तो खूब राधे 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 बोलते हो, पर ये भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं? अब भागवत पढ़ोगे ना, कहीं भी राधा जी का नाम क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, भागवत में तो राधा जी का नाम भेजी चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं दिए? क्यों? ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सम्राट भागवत है, बोले जितने वेद पुराण का जो सारे भागवत है, कहते भागवत का रस अगर किसको मिल जाए ना, ये तत्रसामृत तत्रिप्तस्य नान्यत्रस्यात् रति क्वचित्। एक बार भागवत का रस मिल जाए, सारे रस फीकी पड़ जाती हैं। बोले भैया फिर भागवत में राधा जी नाम क्यों नहीं? तब हमारे ठिकानदार लोग कहते हैं, बोले भैया भागवत में तो राधा जी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, भागवत में तो बोले राधा ही राधा ही है। बोले ये जो ग्रंथ का नाम क्या है बताओ तो, कौन सा ग्रंथ सुन रहे हो? केवल भागवत नहीं, इसका नाम श्रीमद्, श्रीमद मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी। ये भागवत नहीं श्रीमद, राधा जी की प्रेम है। एक उदाहरण देते हैं, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, लेकिन पैसा किसको देता है? सेठानी को। वो सेठानी हीरे जवाहरात को लाख लाख रुपया घटी की घटी आलमीरा में सजा सजा कर रखी थी। एक दिन उसने पागली नहीं हो गई और जितने लाख लाख रुपया घटी की घटी ना सोना चांदी को लेकर के छत के ऊपर में गई, उसने लुटाना शुरू की और जितने दुखी दरिद्र लाख लाख रुपया घटी की घटी उठाए सोने चांदी और माला माल हो गए। बोले भैया वो सेठ कौन है? ये सावरिया से बांके बिहारी, ये तो खूब माल कमाता है, लेकिन वो माल किसको पास में रखना है? सेठानी। ये सेठानी कौन है? बोलो जोर से, राधा रानी। ये असली सेठानी है, इनको पास में सारे लक्ष्मी, इनको पास में। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई, पागली दीवानी, और छत के ऊपर में गई और लाख लाख रुपया घटी के घटी और सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरना शुरू की। बिखरना जो आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो भिखारी, और उठाया और सबके सब माला माल हो गए, माला माल हो गए। इसलिए ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, राधा रानी जब बांके बिहारी के प्रेम में पागली नहीं होकर के जब कृष्ण प्रेम को लुटाती है ना, ये कथा नहीं सुन रहे हो, कृष्ण प्रेम को बैठ बैठ लूट रहे हो, सबके सब लूट रहे हो। कितना लूट सके तो लूट, हाँ क्या है कहते, लूट सके तो राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट, हार फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। इसलिए असली ना कृष्ण भक्ति रस को कहते भागवत में फिर राधा जी का नाम क्यों नहीं? बोले कारण है, सुखदेव गोस्वामी जब एक बार राधा जी का नाम लेते थे, छह महीना तक वो बेहोश हो जाते थे, ऐसे राधा रानी का नाम में प्रेम और रस है, हैं? इसलिए उन्होंने देखा भैया सात दिन में पूरी करना, अगर मैंने भागवत कथा कैसे सुनाऊंगा? इसलिए भागवत में कण कण में राधा जी का नाम। आप लोगों ने मेहंदी लगाई थी, कौन कौन जीवन में मेहंदी लगाई, हाथ उठा। आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो बताओ तो, मेहंदी पत्ते का रंग कैसे देखे हो? हरा हरा, लेकिन क्या सचमुच वो हरा है? फिर क्या है? लाल। लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरी हरी। अगर उसको रगड़ो पीसो फिर भी लगेगा हरी हरी, लेकिन जब हाथों में लगा देते हो फिर कौन सा रंग हो जाता है? फिर तो एक महीना तक रंग नहीं छूटती है। इसलिए ऊपर ऊपर से मैं देखो भागवत को कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन अंदर में झांक करके देखोगे तो क्या है उसमें? राधे ही राधे, उसमें केवल राधे ही राधे हैं। इसका तीसरा कारण बताए,
भैया कृष्ण भक्ति आसानी कर सकते हो, बांके बिहारी जी का भक्ति आसानी, जैसे नदी में पानी बह रही है वो पानी चिड़िया इंसान जानवर खा सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में कोई पानी हो ना उसको सब नहीं पी सकते। कौन पी सकते? जिसको पात्र में रस्सी और कोई पात्र हो वही व्यक्ति केवल कुएं का पानी पी सकते हैं। कृष्ण भक्ति तो आसानी है लेकिन राधा रानी की भक्ति दुर्लभ है। ब्रह्मे स्वराग सुदूर पदार बिंदम, जिनकी चरण कमल ब्रह्मा शंकर के लिए दुर्लभ। कभी राधा रानी मान कर लेना कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण दुर्लभ है। इसलिए राधा जी की भक्ति तभी मिलेगी जब कोई सुधर भक्ति संप्रदाय में आओगे तभी राधा जी की भक्ति मिलेगी। इसलिए देखो राधा रानी की कथा सुनो। जब श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा था जिसका नाम सीता, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, घर में कोई बेटी नहीं, इनकी मन में इच्छा घर में कोई बेटी आए। अब देखना घर में जब बेटी आए ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। घर में कौन आई बोलो जोर से, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन कोई बेटा आए कोई बेटा नहीं आया, कोई नहीं कहता। इसलिए कन्यादान की बड़ी महत्व, इसलिए सरकार कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इसलिए इनकी मैंने इच्छा घर में एक लाली होनी चाहिए। इसलिए श्री वृषभानंद महाराज रोज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे। जब स्नान के लिए गए देखे एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक किलकारी मारते हुए एक छोटी लाली किलकारी मारते हुए आ रही है। तब वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और उन्होंने लड़की को उन्होंने वहीं से उठा लिए। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो। मैंने इतने राधा की महिमा बताई कोई कोई बोले है कोई है, अरे जोर से बोलो ना। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। अभी लग रहा है कुछ बोल रहे हो। अभी नारद जी ने देखा भैया कृष्ण तो गोकुल में आए, जरूर श्री राधा रानी भी कहीं आती होगी। अभी नारद जी गली गलियों में घर घर में ढूंढ रहे हैं, कोई ललिता कोई विशाखा कोई चंपक लता, लेकिन राधा रानी नहीं मिल रही है। जब श्री वृषभानंद महाराज जी को घर में आए पूछे भैया घर में कोई लाली भाई को चुप हो गए। बोले क्यों लाली को तो जमुना से मिले हैं, इतने में तो चुप हो गए कुछ बोले ही नहीं। बोले बताओ ना घर में कोई लाली भाई की नहीं। बोले हाँ एक लाली। बोले लेकर के आओ। जब लेकर के आए फिर तो उन्होंने राधा रानी को देख कर समझ गए भैया इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। अभी श्री नारद जी थोड़ी सी उनको वंदना करना चाहते हैं, बहाना बनाए थोड़ी सी फूल ले आओ बच्ची को, बच्चे को आशीर्वाद दूंगी दूंगा। जब अंदर में गए इतने में राधा रानी किशोरी बन करके प्रकट हो गई, ललिता विशाखा प्रकट हो गए। इतने में नारद जी बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी राधा रानी कहां कृष्ण तो आ गए। जब उन्होंने राधा रानी को देखी इधर में वृषभानंद महाराज पूरा ब्रज में नौता दे दिए। बोले सबके सब आओ मेरी लाली भाई। अभी श्री कृष्ण को लेकर के मैया जसोदा राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी थी और उन्होंने कृष्ण को ला करके जब राधा जी को पास में रखे इतने में कृष्ण अपना हाथ श्री राधा रानी को ऊपर रखते ही राधा रानी की शरीर में एकदम पुलकित रोमांच उठा। इतने में राधा रानी आंख खोला तो सामने श्री कृष्ण को देखा। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। उनको ले आओ भैया वृषभानंद महाराज को ले आओ। हाँ ले आओ माता सबके सब सामने बैठ जाओ।
अरे निकले दो चेयर दे दो सामने, दो चेयर दे दो बैठने के लिए। अभी प्रभु जी, अभी राधा रानी की बधाई प्रभु जी गाएंगे, बड़े सुंदर राधा रानी की बधाई। देखो राधा रानी माँ लक्ष्मी है, इनकी जन्म उत्सव में जो नाचते हैं ना, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में कोई माला माला आएगी घर में। भगवान को भोग लगा करके चावल।